देश की राजधानी दिल्ली में मौसमी हवाओं के बदलने से हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। दो दिन से मिल रही स्मॉग से राहत थम गई है। ऐसे में सोमवार को स्मॉग की चादर छाई रही, इससे लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 349 दर्ज किया गया। इसमें रविवार की तुलना में 22 सूचकांक की वृद्धि हुई है। वहीं NCR में दिल्ली की हवा सबसे खराब श्रेणी में रही। ऐसे में कुछ इलाकों में हवा गंभीर के साथ आनंद विहार, शादीपुर समेत 30 इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही। सोमवार को सुबह ही स्मॉग की चादर छाई रही, ऐसे में वाहन चालकों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे लोगों ने आंखों में जलन महसूस की। हवा की गति कम होने से वायु गुणवत्ता बेहद खराब रही। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे ही स्मॉग की स्थिति खराब होती गई। देर शाम हवा की गति और कम होने से स्मॉग की परत मोटी हो गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषणों के फैलाव के लिए मौसम संबंधी स्थितियां बेहद प्रतिकूल होने से स्थिति बिगड़ रही है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार मिक्स्ड डेप्थ 1950 मीटर रही। वहीं वेंटिलेशन इंडेक्स 12,500 घन मीटर प्रति सेकंड रही। 24 घंटे के भीतर वेंटिलेशन इंडेक्स 10,000 घन मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है। डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम के मुताबिक हवा में ट्रांसपोर्ट से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 16.591% कूड़ा जलने से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 1.501% रही। वहीं रविवार को पराली से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 24.202% रही। CPCB के मुताबिक मंगलवार को भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में रहने की आशंका है। रात के समय कुहासा छाया रहेगा, साथ ही आसमान में स्मॉग छाया रहेगा। सोमवार को हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा की ओर से चली। इस दौरान हवा की गति 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे रही, इससे स्मॉग रहा। वहीं मंगलवार को हवा उत्तर पश्चिम दिशा से चलने का अनुमान है। इस दौरान हवा 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। बुधवार को हवाएं विभिन्न दिशाओं की ओर से चल सकती हैं। आपको बता दें कि राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक में थोड़ा सुधार आने के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप 3 और 4 की पाबंदियों में ढील हुई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कोर्ट के आदेश के बाद NCR की राज्य सरकारों से हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने पर विचार करने को कहा है। कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में नए मोड में जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो वहीं किया जाए। पढ़ाई के लिए ऑनलाइन मोड का उपयोग करने का विकल्प छात्रों और उसके अभिभावकों के पास होगा। CAQM की उप समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आयोग का कहना है कि कक्षाएं ऑनलाइन होने से बड़ी संख्या में छात्र मिड डे मील ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही सामने आ रहा है कि ग्रेप की पाबंदियों से शैक्षणिक गतिविधियों और शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इसमें भी खासकर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की पढ़ाई प्रतिबंधों से सबसे अधिक प्रभावित हो रही है। उन्हें बोर्ड परीक्षाओं और उसके बाद होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन छात्रों की व्यवहारिक कक्षाओं और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन कक्षाओं में उपस्थित होना आवश्यक है। 18 नवंबर को खतरनाक स्तर के प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का निर्देश दिया गया था। स्कूल के प्राचार्य को तुरंत यह सुनिश्चित करना है कि माता पिता को तुरंत सूचित किया जाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।